हाय एवरीवन। सो बहुत टाइम से आपकी क्वेरी थी कि फिजिक्स को लेकर के क्या करें। अब मैं तो बायोलॉजी पढ़ाता हूँ यार, तो एक्सपर्ट एडवाइस हमेशा हर सब्जेक्ट में स्पेसिफिक लेनी चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पर अमित सर है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अनअकैडमी लखनऊ ऑफलाइन पर, जो पूरे देश में अवेलेबल होगा। तुम कहीं से भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हो, यहाँ हो तो और अच्छी बात। तो अमित सर, ओवर टू यू सर। फिजिक्स में इस लास्ट के एक महीने में करना क्या चाहिए सर बच्चे को? लास्ट के एक महीने में हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम रिवीजन करें तो मैक्सिमम टॉपिक का रिवीजन हो जाए, और उन टॉपिक पे रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है कि उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करें, क्योंकि केवल थ्योरी रिवाइज करने से नहीं होगा, एप्लीकेशन पार्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि क्रैश कोर्स हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास चैप्टर है उसको मोटा मोटी 10 to 15 टॉपिक्स में बांटेंगे, और पर टॉपिक ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस लेवल, वो सारा का सारा मैक्सिमम कवर हो जाए। मतलब सर, इस टाइम बच्चे को क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही रिवीजन करने का फायदा होता है। हाँ। अगर आप केवल थ्योरी थ्योरी रिवाइज करेंगे तो आप 10,000 बार रिवाइज कर ले, आपको लास्ट में लगेगा कुछ छूट गया है। हाँ। तो वो जो फीलिंग होता है ना, कुछ छूट गया है, वो तभी खत्म होगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। राइट सर। और सर, इस टाइम पे ना काफी बच्चे क्या करते हैं ना कि बार बार या तो एनसीईआरटी रीडिंग लगाने, वैसे बायो में करते हैं तो वही गणतंत्र विद्या वाला फिजिक्स में अप्लाई करने लगते हैं, या तो क्या करते हैं सर कि क्वेश्चन बना रहे, नहीं बना, सीधा सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं यार ये तो मुझे आता है, ये वाली चक्कर भी बहुत होता है। इसके लिए एक एडवाइस है, अब जैसा कि सर ने बोला, जो कि बायो में तो ठीक है, एनसीईआरटी का आपका प्रॉपर वेटेज है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में वेटेज नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बोला कि वो एप्लीकेशन पार्ट से रिलेटेड है। अब जैसे कि फिजिक्स में एक लास्ट में आता समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर, तो कभी भी जो नीट है वो क्वेश्चन जो है ना उस आइडिया से उठाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप जाके घर पे चेक कर लेना इस चीज को, कि कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में पॉइंट्स टू पॉन्डर में एनर्जी डेंसिटी का चर्चा उन्होंने किया हुआ है, और इस पे पिछले सालों में नीट में करीब 4 या 5 बार सवाल आए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं आइडिया वहीं से होगा, और इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम क्रैश कोर्स कवर करेंगे तो अपना कवरेज सारा रहेगा, वो एनसीईआरटी का भी जो बेसिक पॉइंट है या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन सब वाया क्वेश्चन ही होगा ना? वाया क्वेश्चन ही होगा। अच्छा सर, जैसे हम लोग यहाँ पर हम जिस फॉर्मेट में जाने वाले हैं, उसके बाद बच्चे को खुद क्या करना है सर फिजिक्स में? जैसे सर यूट्यूब स्पेस की बात बताऊंगा, बहुत ऐसे वीडियो चलते हैं कि बस यही कर लें 150 पार आ जाएगा, या बस ऐसे ऐसे पढ़ लें, या सिर्फ ऐसे भी होता है सिर्फ इन 8 चैप्टर्स को पढ़े और फिजिक्स में 150+ पाए, तो ऐसी चीजों पर आप क्या बताएंगे? अब बहुत कुछ तो मीडिया में हाइप क्रिएट करने के लिए भी होता है, ठीक है। सच्चाई ये है कि मतलब हम जो जितना भी अभी तक पढ़े हैं उसको कंसोलिडेशन करने का ये मेन प्रोग्राम है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं जानते और इससे कुछ बहुत तूफान हो जाएगा। हाँ। ऐसा हो सकता है, वो आइंस्टीन लेवल का फिर ब्रेन चाहिए कि वो एक महीने में वो पिकअप कर ले। तो बेसिकली हमको करना क्या है, जो भी हम पढ़े उसको ब्रशअप करना और मेनली कंसोलिडेट करना है। हमारी आदत क्या होती है, हम बस पढ़ते जाते हैं दिमाग में सेव नहीं करते हैं, ठीक है। तो दिमाग में सेव, मान लीजिए हम पढ़ते गए तो ये स्टोरी बुक तो है नहीं कि पढ़ के बस कचरे के डब्बे फेंक देना, वो तो क्वेश्चन पूछेगा वहां से। हाँ। तो हमको उसका एप्लीकेशन बेसिकली हमारे दिमाग में वो घूमना चाहिए कि वो चीज, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि जो टॉपर्स है वो बोलते हैं कि भाई 16-17 घंटे पढ़ते हैं, लिटरली कोई टेबल चेयर पे 17 घंटे नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। जब वो बोल रहा है 17 घंटे पढ़ते, हाँ उसका एक मतलब है, जैसे वो पढ़ता तो है 6-7 घंटे ही, लेकिन बाकी जब वो खाली रहता है तो वो डोरेमोन के बारे में नहीं सोचता है, वो बैठ के सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा होता है, वो और भी काम कर रहा है तो सब्जेक्ट के बारे में ही सोच रहा है। तो जब तक आप उस जोन और उस तरह के माइंडसेट में नहीं जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करना। ठीक है सर। और सर, ऐसे एक बच्चों के लिए जनरल एडवाइस लास्ट, जो ड्रॉपर्स हैं उनपे प्रेशर तो बहुत ज्यादा रहता है, 1-2 साल का हो गया तो जेन्युइन सी बातें होता है, उनका बायोलॉजी केमिस्ट्री ठीक ठाक चल रहा है। हाँ। लेकिन फिजिक्स में लैक है, 100 से नीचे चल रहे हैं, तो क्या ये टाइम फ्रेम में वो खींच सकते हैं अपना स्कोर? हाँ बिल्कुल। फिजिक्स सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता है तो थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन में, तो लेकिन आप कर ले जाएंगे। तो अभी जो ये क्रैश कोर्स में हमको टेक्निक भी बताएंगे कि कैसे आप क्वेश्चंस को शॉर्ट वे में करेंगे। अब 100% का तो मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन 80-90% चीजें शॉर्टकट के थ्रू लाई जा सकती है, और वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल वे में करने में कितना मिनट लगता है और शॉर्टकट में करने में 10 सेकंड लगेगा। बस भाई, वो कहते हैं ना यार कि 8-10 घंटे खुद नॉर्मली रैंडमली गुजारो या 1 घंटा एक्सपर्ट के साथ गुजारो, है ना, तो तुम्हारे वो 8 घंटा 1 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। तो फिर इसको लेके सर ने जितना बनाया उतना ध्यान रखो। बाकी अगर तुम क्रैश कोर्स में नहीं भी हो, खुद भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद भी पढ़ के बहुतों का सिलेक्शन होता है, और जैसे सर ने बताया फॉलो अप कर लो। बाकी हम यहाँ पर हैं गाइडेंस के लिए, हम 25th को स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स, ठीक है।
कंप्लीट सिलेबस हम 30 दिन में करवा रहे हैं और साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस, हम लोग थ्योरी थ्योरी पे जा ही नहीं रहे, नहीं। हमें पता है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम तो तुम्हें लिखाने का, प्रैक्टिस करवा नहीं रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, थॉरली पढ़ेंगे, तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस पर आ सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप लखनऊ आके क्लासरूम में बैठ सको तो उसका मजा बेनिफिट अलग है, बिल्कुल है ना। क्लासरूम टीचिंग हमेशा एक इंटरेक्टिव होता है। हाँ सर। अब जो मोबाइल, जैसे मान लो ऑनलाइन के थ्रू पढ़ रहे थे, इसलिए बहुत हाई मोटिवेशन चाहिए होता है, नॉर्मली बच्चों में वो होता नहीं है, वो देखते हैं बीच में कोई ऐड आया वो फिर वहां चले गए, फिर उनका बर्बाद हो जाता है, ये वाली आदत है। लेकिन हाँ, तो मतलब हम अकेडमी में सर ये इंश्योर कैसे, लास्ट ईयर भी सर हमने करीब 300 के ऊपर बच्चे सेलेक्ट हुए थे ऑनलाइन से, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है ना, काफी बच्चे जिनका नहीं होता है वो यही वाली प्रॉब्लम है, मोटिवेशन की कमी कि फोन के सामने, तो यहाँ क्लासरूम में रहोगे तो गलती करोगे, तो यहाँ हम अलग अलग तरीकों से सुधार भी सकते हैं, बिल्कुल है ना। हाँ। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जैसे आप मोटिवेशन जो ढूंढते रहते हैं ना, तो वो आप अपने अंदर ढूंढे, जैसे कि जब शरीर ताकतवर होता है ना तो आदमी को मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं होती है, आप अच्छा खाएं, अच्छी नींद लें और पढ़ाई जम के करें, बस बिल्कुल ठीक है। तो डू चेक आउट, मैंने ऑलरेडी इस पे सेपरेट वीडियो डाली हुई है, 25th को अगर लखनऊ आ सकते हो तो ये अलीगंज सेंटर पे करा रहा हूँ, मैं बायोलॉजी ले रहा हूँ पूरी, सर पूरी फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, रवि सर पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, बाकी तो सब सॉर्टेड है ही है ना। तो बाकी मिलते हैं यार क्लासेस में, आ जाओ, तुम इसे ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स क्रैक इट, सी यू इन द क्लासेस, थैंक यू।